दोस्तों आईपीएल 2025 को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों के द्वारा अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करें अगर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो आपको बता दें कि केकेआर टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि केकेआर ने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया है, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा दोस्तों अच्छी खबर यह है कि केकेआर की टीम ने आंद्रे रसेल को रिटेन कर लिया है, जो कि दोस्तों कुछ दिनों पहले तक खबरें आ रही थी कि केकेआर रसेल को भी रिलीज कर देगी, लेकिन इस खबर पर अंकुश लगाते हुए केकेआर ने आंद्रे रसेल को रिटेन कर लिया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें से दोस्तों पहले खिलाड़ी है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को केकेआर ने 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। वहीं दोस्तों विस्फोटक ऑलराउंडर सुनील नारायण को 12 करोड़ रुपये में केकेआर ने रिटेन किया है। वहीं दोस्तों उनके हम वतन साथी खिलाड़ी आंद्रे रसेल को भी केकेआर ने 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। इसके अलावा दोस्तों केकेआर ने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को 4-4 करोड़ में रिटेन किया है, जिनमें दोस्तों उनका नाम है हर्षित राणा और रमनदीप। तो दोस्तों ये दो खिलाड़ी अनकैप्ड कैटेगरी में रिटेन किए गए हैं। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये उठता है कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में केकेआर की टीम किस खिलाड़ी को खरीदकर अपना कप्तान बनाएगी। दोस्तों अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।